आप सब कैसे भाई? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है और अभी हमारा जाने का भी टाइम आ गया है, मतलब 6 बजने वाला है। तो यहाँ से हम लोग 6:15 कुछ ऐसे ही निकल लेंगे और 6:30 बजे आई थिंक ट्रेन यहाँ आ जाती है। और स्टॉपेज बहुत कम है यहाँ का, कुंडा का बस मतलब मैक्सिमम बता रही हूँ 5 मिनट, उससे भी कम हो सकता है 3-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट कुछ ऐसे ही रुकते हैं। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा स्टेशन में बड़ा भगम भगाम हो जाता है। और अगर ट्रेन थोड़े ज़्यादा लेट तक रुके तो फिर आराम से आप जाओ, आराम से बैठो, लेकिन कम रुकने की वजह से ना बड़ा अभी हमें जल्दी जल्दी जाएंगे। फिर हाँ, ट्रेन जैसे ही आएगी ना तो जिधर हमें बैठना होगा उधर जल्दी जल्दी जाना होगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वैसे भी मुझे कहीं आना जाना होता है ना, तो जब तक मैं बैठ नहीं जाऊँगी उस जगह में तब तक थोड़ा सा ना ऐसा घबराहट सा होता रहता है, थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ आप बोल सकते हो, घबरा जाती हूँ, लेकिन ठीक है। और मेरी लाइफ में वैसे भी ये ट्रेवल पैकिंग यही सब रह गया है। और पीछे देवरानी जी भी बैठी हुई है, तो अभी सब लोग विदा कराने के लिए आ गए हैं। और मतलब ठीक लग रहा है, नई जगह जाना है तो थोड़ा सा उसका एक्साइटमेंट भी हो रहा है। और सबसे दूर जा रहे हैं वो चीज़ का थोड़ा सा दुख है और थोड़ी सी खुशी है अलग जगह जाने का। और चलते हैं, अभी सारी पैकिंग हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सारे बैग बाहर चले गए, एक ये बचा है और एक तो उधर शेयर में रखे हैं। और झूला तो जाएगा नहीं, इसको तो यहीं रहना है। और वहाँ वैसे एक झूला है तो देखेंगे, अगर छोटा नहीं होगा, अगर छोटा होगा उसके पैर नहीं आएंगे सही से तो फिर दूसरा झूला लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उड़न खटोला तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसको ऐसी हैबिट हो गई है कि अभी वो बिना झूले के रह ही नहीं सकता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ हेयर स्टाइल मुझे समझ में नहीं आ रही। जिस दस मैंने ऐसे जैसे पालते ना वैसे ही हल्का सा कॉम्ब करके बस मैंने ऐसे बांध लिया है। अभी अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि टाइम हो गया है ट्रेन आने का भी। और देखते देखते कैसे 5 महीने निकल गए हैं कुछ पता ही नहीं चला, लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे जल्दी जल्दी दिन निकल जाते हैं। बाहर जाने से पहले मैं यूज करने जा रही हूँ सनस्क्रीन, हमें डेली यूज करना चाहिए सनस्क्रीन। और लोगों के मिथ्स हैं कि अगर क्लाउडी डे है तो नहीं यूज करना चाहिए या फिर टोन डार्क है तो फिर सनस्क्रीन का कोई यूज नहीं है, बट ये मिथ्स हैं बिकॉज सनस्क्रीन हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, प्लस सन एक्सपोजर से होने वाले डैमेज से भी बचाता है। और सनस्क्रीन यूज करना अब और भी ज्यादा ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ ये वाओ स्किन साइंस यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30। ये स्प्रे बॉटल में आती है और ये अभी मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, वाओ स्किन साइंस की यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30। इसको यूज करना काफ़ी इजी है, बस अच्छे से सेक करें और थोड़े से डिस्टेंस में होल्ड करके अपने सारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स में अच्छे से स्प्रे करें। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको सिर्फ आउटडोर नहीं इनडोर भी लगाना चाहिए। इस सनस्क्रीन में गुडनेस है रसबेरी कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एवोकाडो ऑयल एंड आलमंड ऑयल की। ये रिच है विटामिन्स मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट में जो स्किन में नरिशमेंट डिलीवर करता है। ये एक लाइट वेट नॉन स्टिकी नॉन ऑयली एंड नॉन पैची फॉर्मुलेशन है जो स्किन पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है जो स्किन को सन डैमेज और पोल्यूटन से बचाती है एंड हाइड्रेटेड रखती है। अभी इसको अच्छे से स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी और ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं ये सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है लाइक पैराबेन सिलिकॉन फ्रेग्रेंस। तो आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जाकर के इसको बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग कूपन कोड wownature20 यूज करते हो तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। इनकी वेबसाइट buywow.in पे bewownaturally। और यहाँ पर ना मैं अभी उदयन को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी बट वो बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था, पी नहीं रहा था, पूरे अपने मुंह को ना लॉक कर ले रहा था। और ये ऐसे ही करता है जब इसको दूध पीने का मूड नहीं होता या फिर इसका पेट भरा रहता है ना, तो अपने लिप्स को ऐसे लॉक कर लेता है ना कि आप कितना भी ट्राई मार लो ये खोलेगा ही नहीं। रात के
7 बज रहे हैं, मतलब 8 बजने वाला है, और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें, मतलब 40-45 मिनट, 50 मिनट ऐसे हो गए, 1 घंटे के अंदर है और आधे घंटे से ऊपर हो गए हमें बैठे हुए। और उद्दू हैरान है, सब कुछ ना नया नया अलग अलग सा उसको दिख रहा है, तो चारों तरफ देख रहा है कि मैं ये आया कहाँ से। तो वही मैं इसको चिढ़ा रही हूँ कि अगर तुम्हारी हरकतें सही रहे ना तो ऐसे ही तुमको घुमाते फिराते रहें, अलग अलग चीज़ें दिखें, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं ना कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। लगता है कि 1.5 साल जब तक थोड़ा सा ये मैच्योर नहीं हो जाता, घर के अंदर ही रहो। ये कहाँ गए? अरे कहाँ? ये बाहर देख रहा है, बाहर लाइट दिख रही है ना खूब सारी घरों की, तो ये उधर ही देख रहा है। ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन सामने से ना दिख रहा है, तो ये उन्हीं लाइटों को देख रहा है। और पतिदेव एज यूजुअल फ़ोन चला रहे हैं अपना। और अभी अब यहाँ से हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, हम माँ बेटे की, मतलब वैसे वाली मायका ससुराल ये सब तो बहुत हुआ, अभी अब जो अपना पुराना वाला लाइफ है उसमें थोड़े थोड़े वापस आ रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से तो मैं नहीं आ पाऊँगी जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, बट हाँ ये है कि थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि अभी चल करके मेरठ में करना है, और बहुत कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जो कुछ करूँगी जैसे भी। और अभी हम दोनों माँ बेटे के वीडियो आपको मिलेंगे, और मैं उद्दू की कैसे केयर करती हूँ, अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ वहाँ मेरठ में करूँगी, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी इतना ईजी होने वाला नहीं है। जब से मतलब ये हुआ तब से पहले माँ थी, फिर मैं मायके चली गई, फिर यहाँ कुंडा आ गई, ऐसे ही करके ना 4-5 महीना मेरा पूरा निकल गया है। और अभी अब अकेले सब कुछ मैनेज करना है तो थोड़ा सा तो टफ होने वाला है, बट कोई ना, हो जाएगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो सब कुछ होता है। और कब तक इधर उधर रहेंगे, एक टाइम बाद अपने घर तो जाना ही पड़ेगा, अपने घर इन द सेंस कि इनके पास, क्योंकि अब इनको भी काफ़ी टाइम हो गया ना अकेले रहते हुए, तो अब ये भी बोर होने लगे थे, तो हमने फिर डिसाइड करा कि अब भी चलते हैं पापा के पास चलते हैं। तो अभी अब थोड़ी देर में खाना भी खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लगी, आज कुछ भी स्नैक्स में नहीं लिया था ना। और यहाँ पर अभी हम दोनों माँ बेटे की मस्ती चल रही है, मैं उदयन को ना सब कुछ दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ लाइट आ जा रही थी ना, क्योंकि क्या होता है कई बार जब किसी स्टेशन के पास ट्रेन रुकती है या फिर कई जगह ऐसा होता है जहाँ खूब सारे घर ही घर रहते हैं, तो वहाँ खूब सारी रात में लाइट दिखती है ना, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था सब लाइट देखने में। और जब अंधेरा हो जा रहा था तब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ लाइट आ जा रही थी ना, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था सब कुछ देखने में, इसको बड़ा सब कुछ नया नया सा अलग अलग सा लग रहा था ना। और अभी मैं आप लोग को हमारा डिनर भी दिखा देती हूँ, तो मटर पनीर की सब्ज़ी है, और थोड़ा सा मतलब ग्रेवी वाली भी, सूखी वाली ऐसे बीचों बीच वाली है, और साथ में है रोटी, क्योंकि ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में ना पूड़ी या कुछ ऐसे पराठा टाइप का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और हम लोग तो वैसे भी ज़्यादातर जब बाहर जाते हैं ना तो रोटी खाना ही प्रेफर करते हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग डिनर कर लेते हैं, तो डिनर में वैसे मैंने बैक कैमरे से भी शूट कर लिया है, डिनर में है सिंपल पनीर की सब्जी, मतलब मटर की और पनीर की सब्जी है, टमाटर मटर और पनीर वो सब की ऐसे डाल करके ना, थोड़ा सा भुजिया टाइप की है, बहुत ग्रेवी वाली नहीं है। और रोटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इस टाइम पर कि पूरी पराठा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर हमने डिसाइड करा कि रोटी ही ले जाना ज़्यादा सही रहेगा। मतलब पनीर तो ठीक है, वो सर्दी या गर्मी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन रोटी और पूरी दोनों चीज़ चेंज हो जाती है। वैसे ज़्यादातर आपने हमको देखा होगा जब भी हम ट्रेवल करते हैं ना, तो रोटी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेवल में वैसे भी बॉडी इतनी हैवी हैवी सी फील होती है, और फिर कुछ ऐसे टाइप का खा लो ना तो और ज़्यादा भारीपन सा लगता है, तो इसलिए रोटी लाइट वेट होती है, रोटी ही खाते हैं। और अभी एक एक करके खाएंगे क्योंकि उदयन है ना, तो दोनों लोग एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो पहले मैं खा लेती हूँ, इसके बाद फिर ये आराम से खाते रहेंगे। और अभी अब उसका ना थोड़ा सा सोने वाला मूड भी बन रहा है, ये देखो। तो चलो हमें पता नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं जल्दी से खा ही लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग मेरठ पहुंच गए हैं। तो अभी मुझे लगा कि मैं थोड़े बहुत वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सो करके उठे हैं, क्योंकि उदयन पाए ठंडक ना ये सोता रह गया, तो मैं भी फिर सोती ही रह गई।
और रात की बात करूँ ना तो सोने के टाइम पे इसने थोड़ा सा आतंक काट करके रख दिया, मतलब जैसे इसकी आदत है ना झूले वाली, तो ये वही अपना उड़न खटोला मिस कर रहा था, तो आधे घंटे तक इसने बहुत परेशान किया सोने के टाइम पे, और फिर इसके बाद तो मतलब सो गए हैं, उतना ज़्यादा नहीं परेशान किया, लेकिन हाँ सोने के टाइम पे इसका झूला नहीं इसको मिल रहा था ना, इतना चिल्ला रहा था, आँख बंद कर करके रो रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर लास्ट में मैं खड़े होकर के इसको ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे झुला दी तो सो गया, लेकिन एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये कैसे सोएगा, और फाइनली सो गया, फिर पूरी रात सोता रह गया। तो ऐसा नहीं मतलब अब ये पूरी रात ही सोता है, बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन बस वही है कि सोने के टाइम पे इसको अगर झूला नहीं मिलता ना तब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इसका उड़न खटोला ज़रूर मिलना चाहिए, मैं और उड़न खटोला दो लोग इसको मिलना चाहिए, बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग मेरठ आ गए, ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो गई है तो स्टेशन पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, और अभी आप देखते हैं कैसे क्या, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा भीड़ भी रहती है ना, हाँ काफ़ी रोड में रश रहता है तो टाइम तो लग ही जाएगा घर पहुंचने में। तो एक बार मैं सोच रही हूँ इसको और दूध पिला देती हूँ, वही फार्मूला पाउडर वाला, और फिर इसके बाद क्योंकि टाइम लग जाएगा, कहो एक घंटा भी लग जाए या 40-45 मिनट, स्टेशन से घर पहुँचने में इतना तो लग ही जाता है, और इसको तो ऐसा रहता है ना हर 20-25-30 मिनट में थोड़ा 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 लगता है। और मुझे ना ट्रेन से ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे घर दिखते हैं और खेत वेत भी दिखते हैं। मैंने थोड़े बहुत मैं सूट कर रही थी, लेकिन ये जो ग्लास लगा हुआ है ना ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं, बड़ा गंदा गंदा सा है, तो इससे बैक कैमरे से ना कुछ भी क्लियर सूट नहीं हो पा रहा था। मैंने थोड़े बहुत ट्राई करा लेकिन हो नहीं पा रहा था सूट, मतलब हो रहा था लेकिन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, बड़ा धुंधला धुंधला सा ब्लर ब्लर सा लग रहा था, तो मैंने फिर वो क्लिप ही मैंने डिलीट कर दिया। और आज मैं आप लोग को मेरठ का स्टेशन दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लगता है, मतलब सुबह के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इधर साइड ना इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि पेड़ पौधों की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बट फिर भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ पर उदयन और उसके पापा दोनों खड़े हुए हैं। तो चलो अभी मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ, पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।